भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लोगों को इकट्ठा कर दोनों देशों में शांति बहाल करने के लिए टारी बॉर्डर पर हिंद पाक दोस्ती मंच की ओर से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के चलते स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हिंद पाक दोस्ती मंच ने अटारी सीमा पर हिंद पाक मेले का आयोजन किया और मोमबत्तियां जलाकर शांति का संदेश दिया। पर मैं पहली बार आई हूँ रात को, अभी एक इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, तो एक वो खुशी भी है जो इंडिपेंडेंस डे है, सब लाइटें सब जली हुई हैं इधर, पर एक पास भी बड़ी दुख है मैनू जे 70 साल पहला इतने यू नो बॉर्डर पे मेरे रिश्तेदार आ रहे से, पता नहीं कईयों सट लगी हुई सी, कई फैमिलीज विछड़े हुए हुए सी, बच्चे इधर बुजुर्ग लोग इधर भुखे, तो उस पास मेरी फैमिली आ रही सी, इधरों होर बंदे जा रहे से, सो यही हुई सड़क से मैं फील होता जे ये सब कुछ हो रहा सी 70 साल पहला यही जगह, सो उस वजह से मैं थोड़ी अफसोस है। देखो 70वां आजादी दिवस है, पहले तो दी मुबारक है, पर यह जिहड़ा प्रोग्राम हिंद पाक दोस्ती वाले करते हैं इत्थे जी मंच वाले, हिंद पाक मंच वाले जो प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं और फोकलोर रिसर्च अकेडमी वाले जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हर साल करते हैं, 22 वर्ष हो गए, मेरे को बहुत अच्छा लगा है क्योंकि जैसे हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे हैं अमृतसर है, हमें शांति स्थाप तो हमें हमारे को बहुत लाभ है इस चीज़ का, और ख़ासकर जो इतिहास के पन्नों पे बहुत लोगों ने शहीदियाँ दी, उनके नाम आ गए और बहुत कुर्बानियाँ दी, लेकिन कुछ लोगों की जहाँ जान जाके हजारों लोगों की, जो पाकिस्तान और भारत की जब आपस में डिवाइड हुए हैं तो इस बॉर्डर के ऊपर यहाँ हम खड़े हैं, हजारों लोगों का यहाँ खून से ये जो खाई बनी है वो भर गई है, अब उनको भी हम याद कर रहे हैं और शांति के लिए, और यही मांग करते हैं और पाकिस्तान को यही विनती करते हैं कि देखिए लड़ाई से कुछ हल नहीं है, दहशतगर्दी फैलाने से कोई हल नहीं है, ये दहशतगर्दी बंद करके शांति के साथ ज़िंदगी जियो, जैसे जो NGO इधर भी हैं और आपके वहाँ भी हैं, और लोग शांति से रहना चाहते हैं, इनको शांति से रहने, मैं तो यही कहता हूँ कि दोनों मुल्कों में शांति स्थापित हो और दोनों मुल्क के लोग मिल बैठ के आगे की जो पीढ़ी आने वाली जो जनरेशन है उनको नया मार्गदर्शन।